Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 1 of class 6 civics, and the chapter's name is Understanding Diversity. So if you want to study history and geography also, then the link of the playlist is in the description. So if you are new to the channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. सो आपको अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो पता है, समझना. डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, विभिन्नता. अब आप सोच रहे होंगे कि हम किसके डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के डिफरेंसेस की बात, कि हम लोगों में किस तरह के डिफरेंसेस हैं. एंड मोर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इंडियंस की, कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें किस किस तरह के डिफरेंसेस हैं. अच्छा, तो एक बात बताओ कि आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्या सब एक ही तरह दिखते हैं? सब आपकी तरह दिखते हैं? नहीं ना, सब अलग अलग दिखते हैं. यहाँ तक भी कि हम ट्विंस की भी बात करें तो पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग सेम है, बट जैसे जैसे हम उनके साथ रहते हैं तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस ट्विंस में भी नज़र आते हैं, राइट? तो अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो हम सब अलग दिखते हैं, राइट? तो क्या सिर्फ एक अपीयरेंस ही डिफरेंस है हम लोगों के बीच में? क्या हम सिर्फ दिखते ही अलग हैं और कोई डिफरेंस नहीं है? अब आप में से कुछ लोग बोलोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत लंबे हैं और काफ़ी सारे छोटे हैं, हम लोगों में हाइट का डिफरेंस है, कुछ लोग मोटे होते हैं, पतले होते हैं, ये सब डिफरेंसेस हैं. हाँ, ये भी डिफरेंसेस हैं, बट ये पेरेंट्स का पार्ट हो गए. अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि मेरी क्लास में बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो ये भी डिफरेंस हो गया. हाँ, ये भी डिफरेंस है, बट सिर्फ यही डिफरेंसेस नहीं है हम लोगों के बीच में. अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो हमारे अंदर और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं हम लोगों के बीच में, जैसे कि रीजनल डिफरेंसेस, कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं और कुछ लोग दूसरे रीजन से, कोई जम्मू से बिलोंग करता है तो कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, राइट? अलग अलग. तो कल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पर, रिलीजियस बैकग्राउंड, हर एक जगह के अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं. और कोई हो सकता है आपका फ्रेंड एक रिलीजियस फॉलो करता हो, दूसरा फ्रेंड दूसरा रिलीजन फॉलो करता हो, राइट? तो ये सब डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं. तो इस तरह काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, एंड ये सभी डिफरेंसेस जो हैं हमारी लाइफ्स को एनरिच करते हैं, समृद्ध बनाते हैं, एंड और ज़्यादा फन बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमारी सभी की लाइफ्स को. एंड ये सभी तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है, रिलीजियस बैकग्राउंड अलग होता है, तो ये सभी तरह के डिफरेंसेस जो हैं इंडिया को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, डाइवर्स बनाते हैं, इंडिया को यूनिक बनाते हैं. अब इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस पर गौर करेंगे, उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे. जैसे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमारी लाइफ्स में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका हमारी लाइफ्स पर क्या इम्पैक्ट है. हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, कि इंडिया में इतने सारे डिफरेंसेस कैसे आए, इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री कैसे बना. आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्या सभी तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो डाइवर्सिटी का पार्ट हैं. एंड कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, कि क्या ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, क्या वो एकता का पार्ट हो सकती है. तो इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और इनको और अच्छे से समझेंगे, राइट? नाउ लुक एट दीज ड्राइंग्स. ये जो ड्राइंग्स हैं ये आप ही के एज के बच्चों ने बनाई हैं, एंड यू कैन ईजिली नोटिस दैट दीज ड्राइंग्स, दीज ऑल थ्री ड्राइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन ड्राइंग, योर ओन ह्यूमन फिगर इन दिस बॉक्स. आपकी बुक में होगा ये बॉक्स, तो आप अपना ह्यूमन फिगर इस बॉक्स में बना सकते हैं. एंड जब आप बना लोगे तो यू विल नोटिस दैट जो आपकी जो ड्राइंग है वो इन तीनों से अलग है, राइट? इन तीनों की जो ड्राइंग है वो एकदम अलग है, ये आपस में भी अलग है, एंड जो आप ड्राइंग बनाओगे उसकी भी अलग है. अब ऐसा क्यों हुआ, ये जितने भी ह्यूमन फिगर्स हमने बनाए, इन बच्चों ने बनाए, वो सब अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम सबका एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल है, राइट? एवरीवन हैज़ इट्स ओन यूनिक ड्राइंग स्टाइल. हम लोग सिर्फ दिखते ही अलग नहीं है, हमने और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं. हम लोग सोचते अलग हैं, हमारी पसंद अलग है, राइट? हमारा ड्राइंग स्टाइल अलग है. एंड अगर हम और भी बेसिस की बात करें तो लैंग्वेज के बेसिस पर हम सभी लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. लाइक अब जब आप आपस में बात करते हो तो हो सकता है आप सेम ही लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी या इंग्लिश, बट जब आप अपने अपने घरों में होते हो तो सभी अपनी मातृभाषा बोलते हैं, राइट? अपनी रीजनल भाषा बोलते हैं, तो उस तरह डिफरेंसेस हो सकते हैं. अगेन कल्चरल बैकग्राउंड्स के बेसिस पर डिफरेंट हो सकते हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड पर डिफरेंस हो सकते हैं.
ये सभी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं. सो हेयर एन एक्टिविटी इज गिवन एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटी विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स. यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन लाइक वेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग वट यू लाइक वेयरिंग वेन यू गो आउट राइट. यू मे लाइक वेयरिंग फ्रॉग स्कर्ट एंड समथिंग एल्स राइट. एंड अगेन एट होम आई स्पीक इन वट लैंग्वेज डू यू स्पीक विद योर फैमिली. माई फेवरेट स्पोर्ट इज and I like reading books. So you can answer these questions with your friends, and after answering these questions check if your answer is same as of your friend, and by comparing this you can see like in what basis you and your friends are similar and in what ways you and your friends are different. To is tarah aapko pata chal sakta hai ki aap aur aapke friend mein kya kya similarities hain, aapko kya kya cheeze pasand hai, dono ko pasand hai, aur kya kya cheeze aap mein different hain. तो इस तरह से आप जो डाइवर्सिटी के बारे में आप और ज़्यादा जान सकते हो, इसका इसेंस क्या है. सो नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल रीड अबाउट टू फ्रेंड्स, समीर एक एंड समीर दो, राइट. मेकिंग फ्रेंड्स. सो इन द लास्ट सेक्शन वी रीड अबाउट द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, लाइक व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस वी कैन हैव. वी कैन हैव लैंग्वेज डिफरेंसेस, वी कैन हैव डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन. सो they can be load of differences among us. So now in this section we will read about the story of Sameer 1 and Sameer 2. But before listening the story, tell me one thing, that ki aap log kya un logo se aasani se dosti kar pate ho jo log aap se bahut zyada different hote hain. To iska answer mujhe jaldi jaldi comments mein do. So let's start our story, right. तो समीर एक बताता है कि जब भी वो अपनी साइकिल से सिग्नल के पास से गुजरता है तो हमेशा एक छोटा सा बच्चा उसकी साइकिल के पीछे पीछे आता है. उसके हाथ में इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है एंड वो उस न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को कुछ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करके बोल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है. तो एक दिन क्या होता है, वो समीर एक रुकता है एंड उसको बोलता है कि क्या तुम्हारे पास हिंदी न्यूज़पेपर होगा. तो जो दूसरा बच्चा होता है वो उसका मुँह एकदम फटाका फटा रह जाता है कि वो कहता है कि हैं, यू मीन यू नो हिंदी, मतलब कि तुम्हें हिंदी आती है. तो समीर एक कहता है कि हाँ बिल्कुल. फिर वो कहता है कि तुमने क्या सोचा कि मतलब मुझे हिंदी नहीं आती होगी. तो फिर वो बच्चा कहता है कि बट यू लुक सो अंग्रेज. वो कहता है कि तुम एकदम अंग्रेज से दिखते हो एंड तुम बोल रहे हो कि तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो. तो फिर समीर कहता है ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल. तो वो कहता है कि बिल्कुल मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी जो है वो मेरा एक सब्जेक्ट है स्कूल में. तो जो बच्चा है जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो कहता है सब्जेक्ट्स ये क्या होता है. बट जैसे ही समीर एक उसको बताने लगता है वैसे ही लाइट जो है वो चेंज हो जाती है एंड पीछे से क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ आ रही होती है एंड सभी लोग की वजह से उसको भी फिर आगे चलना पड़ता है. तो जिस वजह से वो उस बच्चे को ये नहीं बता पाता कि सब्जेक्ट्स का मतलब है क्या. तो नेक्स्ट डे जब वो फिर से सिग्नल के पास आता है तो वो देखता है कि वो बच्चा फिर से वहीं पे खड़ा है, स्माइल कर रहा है एंड उसके हाथ में हिंदी का न्यूज़पेपर है. एंड फिर वो कहता है कि भैया, ही सेड आपका अखबार. तो वो फिर कहता है कि भैया आपका अखबार. फिर वो बोलता है कि अब बताओ ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू नो वट डज सब्जेक्ट्स मीन. बट जो सब्जेक्ट वर्ड है वो उस बच्चे के मुँह से एकदम अलग ही साउंड करता है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती होती है. तो फिर समीर एक उसे बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, किसी के बारे में हम जब पढ़ते हैं, समझते हैं. तो फिर समीर एक उस बच्चे से पूछता है, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी भी स्कूल गए हो. तो बच्चा कहता है नेवर, नहीं. और वो बड़े प्राउडली कहता है कि जब भी मैं इतना बड़ा था, मतलब वो समीर एक के साइकिल के सीट का एग्जाम्पल देता है कि जब मैं यहाँ तक था, जब मैं इतना बड़ा था तभी से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था. तो पहले तो मेरी मम्मी आती थी साथ में, बट अब मैं खुद भी सारा काम कर सकता हूँ. तो इस तरह बताता है. तो समीर एक फिर पूछता है, वेर इज़ योर मदर नाउ, तुम्हारी मम्मी अभी है कहाँ. बट फिर से लाइट चेंज हो जाती है एंड समीर एक को आगे चलना पड़ता है. बट पीछे से जो दूसरा बच्चा है वो बोलता है कि शी इज़ इन मेरिट, वो मेरिट में है. तो उसे उतना ही सुन पाता है समीर एक को, क्योंकि वो आगे जा चुका होता है. तो अगले दिन जब वो मिलते हैं तो वो छोटा सा बच्चा बताता है, माय नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है. एंड बड़े शाइली वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. तो जो समीर एक है वो एकदम हैरान हो जाता है एंड वो बोलता है कि मेरा नाम भी समीर है. और उसकी आंखें एकदम चमक जाती हैं. एंड समीर एक बताता है कि ये जो है समीर का मतलब हनुमान के जो फादर हैं उनका एक नाम समीर भी है. सो फिर वो छोटा सा बच्चा कहता है कि सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो. तो
वो कहता है कि तुम समीर एक हो और अब से मैं समीर दो हूँ। तो फिर समीर एक उसे कहता है कि हाथ मिलाओ समीर दो, राइट? सो यू कैन इमेजिन देयर कन्वर्सेशन। बट जब नेक्स्ट डे वो लोग मिलते हैं तो समीर एक बताता है कि आज उसके फेस पे वो यूजुअल स्माइल नहीं थी जो हमेशा रहती है, वो शायद कुछ ट्रबल में था। तो वो बताता है कि देर इज़ अ ट्रबल इन मेरिट, कि मेरिट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वहाँ पे दंगे हो रहे हैं एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो समीर एक फिर न्यूज़पेपर की हेडिंग देखता है तो कॉम्युनल राइट्स चल रहे होते हैं कि जो कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में दंगे हो जाते हैं ना। तो फिर समीर एक कहने लगता है, बट समीर ऐसे फिर वो बच्चा कहने लगता है, समीर दो कहता है कि आई एम अ मुस्लिम समीर, मैं मुस्लिम समीर हूँ एंड मेरे जितने भी लोग हैं वो सभी मेरिट में हैं। एंड उसकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। तो अगले दिन जब समीर एक सिग्नल पर पहुंचता है तो समीर दो वहां पे नहीं था एंड ना ही उसके अगले दिन, एंड फिर कभी समीर एक को समीर दो सिग्नल पर दिखा ही नहीं। तो इस स्टोरी से हमने देखा कि समीर एक एंड समीर दो जो थे वो लोग फ्रेंड्स बन गए थे, ठीक है? वो हमेशा सिग्नल पर रुकते थे, बात करते थे, बट वो लोग सेम नहीं थे, उनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे। अब समीर एक जो था उसे तो इंग्लिश आती थी, उसे हिंदी भी आती थी, बट समीर दो जो था वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानता था। अब वैसे तो वो दोनों ही अलग अलग भाषाओं में ज़्यादा कंफर्टेबल थे, बट फिर भी उन लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, राइट? क्योंकि उन लोगों के लिए कम्युनिकेट करना ज़्यादा ज़रूरी था, भाषा नहीं। इसके अलावा इनमें और भी डिफरेंसेस थे, जैसे कि समीर एक एंड समीर दो जो थे वो दोनों ही अलग अलग रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। समीर एक जो था वो तो हिंदू था एंड समीर दो जो था वो मुस्लिम था। सो देवर रिलीजियस डिफरेंसेस ऑल्सो। एंड ये जो रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डाइवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। एंड इन दोनों ही रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस के अलावा भी कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे, जैसे कि जो समीर एक था वो तो स्कूल जाता था एंड समीर दो जो था वो स्कूल नहीं जाता था, वो न्यूज़पेपर बेचता था। बट ऐसा नहीं था कि समीर दो जो है वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, ऐसा नहीं था, बल्कि उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली उसको स्कूल जाने की। उसके हालात ऐसे बन गए कि उसको न्यूज़पेपर बेचना पड़ा। ऐसे ही आपने अपनी लोकेलिटी में भी काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि जो पुअर होंगे, जिनके पास मतलब सफिशियंट खाना नहीं होगा खाने के लिए, उनके पास कपड़े नहीं होंगे, उनके पास कभी कभी उनके पास आप देखोगे उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी। बट ये डिफरेंसेस जो हमने देखे अभी कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, स्कूल जाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो ये डिफरेंसेस उन डिफरेंसेस की तरह नहीं है जो कल्चरल एंड रिलीजियस हमने डिफरेंसेस पढ़े कि लैंग्वेज वाले, आप रिलीजन वाले, हिंदू एंड मुस्लिम वाले। ये डिफरेंसेस जो हैं ये वाले, ये पहले वाले डिफरेंसेस की तरह नहीं है। दीज आर डिफरेंट, ये डाइवर्सिटी में नहीं आते, ये इनइक्वालिटी का पार्ट है, राइट? कि यहाँ पे इनइक्वालिटी हो रही है। और इनइक्वालिटी कब होती है? जब कुछ लोगों को राइट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जब उन्हें उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। मतलब कि कुछ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अलग लोगों को अवेलेबल हैं, ठीक है? जैसे जो अमीर लोग हो गए, ठीक है, उन लोगों को अवेलेबल है कि वो लोग स्कूल जा पा रहे हैं, अच्छा खाना खा पा रहे हैं, अच्छा पानी, बट वहीं जो गरीब लोग हैं उनको ये सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी हो गई, ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। तो ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या है कि लोगों को उनके काम के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया, राइट? सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। पहली बात तो उनको उनके काम के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया एंड उनको फिर ये कहा गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कामों में रहोगे, यू कैन नॉट एंगेज इन अदर ऑक्यूपेशन। तो मतलब अगर कोई पॉटर है, अगर कोई मटका वगैरह बनाता है, तो जो उसका बेटा होगा वो भी मटका ही बनाएगा, ऐसा बोला जाता है कि वो मटके के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। एंड दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, कि इसको रिवर्स नहीं कर सकते। एंड क्योंकि इसमें यह कहा जाता है कि अगर तुम पॉटर के बेटे हो तो तुम पॉटर ही बनोगे आगे जाके, अगर तुम जैसे लोहे वगैरह से रिलेटेड काम करते हो, लोहार हो, तो फिर तुम्हारा जो बेटा होगा वो भी लोहे से रिलेटेड काम करेगा, क्योंकि तुम इसमें अपनी ऑक्यूपेशन से बाहर नहीं जा सकते। तो इसमें क्या रखा जाता था, लोगों को एजुकेशन से भी वंचित करा जाता था, क्योंकि इसमें कहा जाता था भाई तुम्हें आगे चल के क्या करना है। मान लो किसी को कोई पॉटर है तो उसको बोला जाएगा तुम्हारे बेटे को आगे चल के पॉटर ही तो बनना है, तो और किसी चीज़ की जानकारी लेने की क्या जरूरत है, इसको सिर्फ पॉटर की ही एजुकेशन दो। मतलब जितना इसके प्रोफेशन के लिए जरूरी है इसको सिर्फ उतनी ही एजुकेशन दो, तो ऐसा कहा जाता था। तो जिस वजह से जो बाकी इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, जो दूसरी है, जो बेसिक एजुकेशन है, वो उन लोगों को नहीं मिल पाती एंड दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी।
तो आपने देखा कि किस तरह जो ये इनक्वालिटी है वो उभर कर आती है. एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद डाइवर्सिटी. दिस इज नॉट डाइवर्सिटी, दिस इज इनक्वालिटी. मान लो कि डाइवर्सिटी क्या होती है कि आप लोग सभी सेम लेवल पे हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इक्वल रिसोर्सेज हैं, यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ फूड, यू हैव अ हाउस टू लिव इन, एवरीथिंग. बट देर आर सम डिफरेंसेज, लाइक यू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, योर फ्रेंड स्पीक्स हिंदी, यू स्पीक तमिल, एंड और लाइक यू आर फ्रॉम हिंदू रिलीजन एंड योर फ्रेंड फॉलोज मुस्लिम रिलीजन और सम ऑफ योर फ्रेंड्स फॉलोज सिख रिलीजन. तो यू आर ऑन द सेम लेवल बट यू हैव सम डिफरेंसेज. सो दिस इज डाइवर्सिटी वेन यू आर ऑन सेम लेवल. इनइक्वालिटी कम्स वेन सम पीपल आर नॉट एट दिस लेवल, दे आर हेयर, दे आर नॉट गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दे आर do not have access to resources. So this is inequality, right? कि इन लोगों के साथ inequality हो रही है. They are not equal as these, जो ये ऊपर वाले लोग हैं. And diversity अगर हम ऐसे देखें तो it is not a major problem, right? इसमें कोई problem ही नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, बात करते हैं, ठीक है. But ये जो inequality है, ये एक बहुत बड़ी problem है. It is a very big problem for a nation. So आप अपने आने वाले chapters में भी काफ़ी कुछ पढ़ोगे inequalities के बारे में, right? What does diversity add to our lives? तो हमने समीर एक एंड समीर दो की कहानी पढ़ी एंड हमने देखा कि हमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे. एंड सिर्फ रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस ही नहीं, उनमें कुछ सोशल डिफरेंसेस भी थे. बट फिर भी वो लोग फ्रेंड्स बन गए थे. तो हो सकता है कि आपके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हों जो आपसे काफ़ी डिफरेंट हों. आपने उनके घर में उनका खाना खाया हो, आपने उनके साथ उनके त्यौहार मनाए हों, उनके तरह के जो कपड़े हैं, उनके जो रीजनल कपड़े पहने जाते हैं वो ट्राई किए हो, आपने उनकी लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश की हो, राइट? अब हो सकता है कि आपको रीडिंग करना काफ़ी पसंद हो, आपको एडवेंचरस स्टोरीज सुनना पसंद हो, एनिमल से रिलेटेड, पीपल, घोस्ट, तो ये सभी तरह की हो सकता है आप कहानियाँ पढ़ते हो. एंड ये भी हो सकता है कि आप खुद से भी अपनी स्टोरीज बनाते हो, आप दिन में सपने देखते हो और देखते हो कि आप सुपरमैन बन चुके हो, स्पाइडरमैन बन चुके हो, ऐसा कुछ, है ना. एंड बहुत सारे जो लोग हैं वो इसीलिए रीड करते हैं, उन्हें रीड करना इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें खुद की स्टोरी के लिए काफ़ी आइडिया मिलता है, राइट? एंड जो लोग स्टोरीज लिखते हैं वो अपनी स्टोरीज के लिए आइडिया जो है अलग अलग जगहों से लेते हैं, जैसे कि जो वो रीड करते हैं उन स्टोरीज से वो कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ रियल लाइफ से एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर उनके बेसिस पर अपनी स्टोरी बनाते हैं. एंड कुछ जो है वो खुद इमेजिनेशन करते हैं अपनी. हो सकता है जो कुछ राइटर्स हैं वो जैसे मान लो फॉरेस्ट में रहे हों, ठीक है, तो उन्होंने एनिमल्स के साथ काफ़ी क्लोज जिंदगी बिताई होगी, उनकी लाइफ्स के बारे में देखा होगा, तो उन्होंने कैसी स्टोरीज लिखी होंगी, जो जानवरों के बीच में जो भी फ्रेंडशिप लड़ाई वगैरह होती है उनसे बातचीत होती है, तो उसके बेसिस पर उन्होंने अपनी कोई स्टोरी बनाई होगी, ठीक है. और कहीं कोई दूसरा राइटर है, मान लो उसने किसी राजा महाराजा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ा होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही डिसाइडेड टू मेक हिज ओन स्टोरी अबाउट लव एंड ऑनर, राइट? तो देखो ऊपर वाले राइटर ने किसके बारे में लिखा, जानवरों के बारे में, उनके फाइट्स एंड फ्रेंडशिप के बारे में, एंड दूसरे राइटर ने स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, और वहीं कोई दूसरा राइटर हो सकता है कि जो कि अपने बचपन की मेमोरीज में ही चला गया हो, गुम हो गया हो, एंड उन्हीं से रिलेटेड अपने बचपन के एक्सपीरियंस से रिलेटेड उसने एक एडवेंचरस कहानी बना दी हो, ठीक है. सो यू कैन सी हेयर हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी इज बीइंग क्रिएटेड हेयर. इन तीनों ही तरह के एग्जाम्पल्स में डिफरेंट है, राइट? कि यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, किंग्स एंड क्वींस के बारे में, और यहाँ अपने ही बचपन के एक्सपीरियंस के बारे में हो रही है. और आप तीनों ही तरह की स्टोरीज को पढ़ोगे तो आपको एकदम बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, तीनों में सिमिलैरिटीज इतनी नहीं होंगी. बट अगर आप इमेजिन करो कि ये सभी तरह के जो स्टोरी राइटर्स हैं एंड जो स्टोरी टेलर्स हैं उनको कहा जाए कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे रहो, ठीक है, दे वर फोर्स्ड टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल पीपल वोर द सेम टू कलर्स रेड एंड व्हाइट, उनको कहा जाए कि तुम एक ही जगह पर रहो, सभी जो भी राइटर्स हैं स्टोरी टेलर्स हैं, और उनको कहा जाए कि तुम सिर्फ और सिर्फ रेड एंड व्हाइट कलर के ही कपड़े पहन सकते हो, सिर्फ एक ही तरह का खाना खा सकते हो. मान लो कि उन्हें कहा गया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पोटैटोज खा सकते हो, एंड उनको बोला हो कि तुम सिर्फ दो ही तरह के एनिमल्स की देखरेख कर सकते हो, मतलब यू कैन पैट ओनली टू काइंड ऑफ एनिमल्स, कैट एंड डियर, एंड अपने आप को एंटरटेन करने के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम खेलोगे जो कि स्नेक एंड लैडर. तुम तो यही सुन के बोर हो गए होगे, राइट, कि पूरे टाइम एक ही गेम स्नेक एंड लैडर, वो भी, है ना. तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि इनकी लाइफ कैसी होगी. एंड अगर ऐसी लाइफ बिता के ये लोग कोई स्टोरी लिखने जाएंगे तो तुम सोच सकते हो कि उनके बीच में कितना सिमिलैरिटी एंड कितना डिफरेंस होगा.
जाहिर सी बात है कि उनकी जो स्टोरीज होंगी वो सेम सी होंगी, क्योंकि दे आर लिविंग इन सेम कंडीशंस, दे आर एक्सपीरियंसिंग सेम थिंग, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. तो जो वो स्टोरीज क्रिएट करेंगे उनमें भी काफ़ी सारी सिमिलरिटीज होंगी. एंड जब आप उन सभी स्टोरीज को पढ़ोगे तो आप खुद ही बोर फील करने लगोगे, आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा रीड रीड करने में. तो अब इन सभी चीज़ों से हमने क्या देखा, यू हैव डिफरेंट फ्रेंड्स हु हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स, आप अलग अलग तरह की स्टोरीज पढ़ते हो, एंड इफ डिफरेंट स्टोरी स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स वर फोर्स टू लिव इन सेम काइंड ऑफ प्लेस एंड दे वर फोर्स टू लिव इन अ सेम कंडीशन, देन दे विल नॉट बी एबल टू राइट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दे विल ऑल राइट विच विल बी काइंड ऑफ सिमिलर, और उससे आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो बड़ा ही बोरिंग सा होगा. तो इससे आपको क्या समझ आया, हमारी ये जो डाइवर्सिटी है, जो भी डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस हैं, ये हमारी लाइफ में एक मज़ा पैदा करते हैं, फन पैदा करते हैं, इंटरेस्ट लाते हैं, हमारी लाइफ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है, बोरिंग नहीं होती है कि सभी लोग सेम काम कर रहे हैं, सभी लोग ऐसा नहीं, ठीक है. तो होली होती है तो हम रंगों से खेलते हैं, ईद होती है तो हम मस्जिद में जाते हैं, फिर गुरु नानक जयंती होती है तो हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम क्रिसमस डे के दिन चर्च में जाते हैं. तो ये सभी चीज़ें जो है बड़ा मज़ा आता है ना, नहीं रोज़ ही आपको सेम तरह के रिचुअल्स फॉलो करने पड़े, सेम ही काम करना पड़े, तो इतना मज़ा सा नहीं आएगा. तो ये जो सभी डिफरेंसेस हैं ये हमारी लाइफ में एक फ़न पैदा करते हैं, हमारी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं. एंड आपको इन सभी डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है, ऐसे नहीं करना कि अरे ये तो अलग है हमसे, अरे नहीं तुम हो तो सब इंसान ही, उनके डिफरेंसेस जो तुमसे अलग है उसका साथ और इंजॉय करो. अगर आप हिंदी बोलते हो एंड दूसरा आपका कोई फ्रेंड है वो साउथ साइड से है, वो कोई दूसरी भाषा बोलता है, तो आप कोशिश करो आप वो सीखो, देखना कितना मज़ा आएगा. सो इस तरह आप इन सभी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो. डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिसमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं. एंड अभी तक हमने सिर्फ डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा कि किस किस तरह की डाइवर्सिटीज़ हो सकती हैं, एंड लोगों में रीजनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लोगों में लैंग्वेज के बेसिस पर डिफरेंस हो सकते हैं, तो दे कैन बी लॉट ऑफ डिफरेंसेस. एंड इंडिया में बहुत तरह के डिफरेंसेस हैं, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. बट अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि इन सभी डिफरेंसेस के बावजूद हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, बस फर्क इतना है कि हम उनको अलग तरीके से करते हैं, राइट. तो इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मान लो जैसे हमारे त्यौहार हैं मकर संक्रांति, तो कुछ रीजन्स में मकर संक्रांति मनाई जाती है, कहीं पे पोंगल मनाई जाती है, कहीं पे उत्तरायण, कहीं पे माघ बिहू, कहीं पे लोहड़ी. बट ये सभी जो त्यौहार हैं ये मनाए किस लिए जाते हैं, ये सभी में एक चीज़ क्या कॉमन है कि ये सभी जो हार्वेस्ट सीजन जब स्टार्ट होता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाए जाते हैं. बट इनको अलग अलग नाम है, इनको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बट क्या हो गया, सेम थिंग है बट वी आर डूइंग इट इन डिफरेंट वेज. तो इसी तरह डाइवर्सिटी जो है वो होती भी है और नहीं भी होती है. क्यों? क्योंकि हम लोग सेम ही कारण से त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं बट उनके नाम अलग हैं और बस तरीके अलग हैं. तो इट वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल. नाउ हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करें और ये डाइवर्सिटी कहाँ से आई, किस तरह जो हमारी कंट्री है वो इतनी डाइवर्स बनी. सो आज से लगभग 200 साल पहले, जब कोई ट्रेन नहीं थी, कोई एरोप्लेन, कार, बस, ऐसा कुछ भी नहीं था, तब लोग क्या करते थे, तब लोग शिप के थ्रू, हॉर्सेस के थ्रू, कैमल्स के थ्रू, एंड कभी कभी पैदल एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करते थे. अब वो ट्रैवल किस किस लिए करते थे, काफ़ी सारे कारणों से करते थे. वो या तो रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ रहे हो, ठीक है, या फिर कोई नौकरी की तलाश में दूसरी जगह गया है, कोई दूसरे लोग ढूंढने के लिए गया जिसके साथ वो ट्रेड कर सके, ठीक है. तो क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि ये ट्रैवल करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता था, तो लोग क्या करते थे, जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते थे तो वो लोग वहीं पर रहने लगते थे, ठीक है. कभी कभी वो ज़्यादा टाइम के लिए रहने लगते थे एंड परमानेंटली रहने लगते थे. एंड इसके अलावा कुछ लोग जो है वो नए प्लेसेस पे अपना घर छोड़ के इसलिए भी आते थे कि उनके जो ओरिजिनल प्लेस था जहाँ वो पहले रहते थे, वहाँ कोई फैमीन हो गया, कोई ड्राउट वगैरह आ गया, एंड खाने के लिए कुछ भी इनफ नहीं है, ठीक है, धरतियाँ बंजर हो गई हैं, या फिर किसी एरिया में वॉर हो गई है तो वॉर से बचने के लिए लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर रहे हैं एंड दूसरी जगह जाके रहने लग गए. अब होगा क्या, जब वो दूसरी जगह रहने लगेंगे तो वहाँ के जो भी एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो भी कल्चर है, उसकी वजह से वो लोग इफेक्ट होंगे. धीरे धीरे वो लोग उन नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, उनको अडेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, एंड कुछ कुछ चीज़ें जो वो लोग पहले से करते आ रहे थे वो भी करते रहेंगे, ठीक है. तो ऐसे लोगों की जो भी लैंग्वेज है, फूड, म्यूजिक, उनका रिलीजन, तो वो जो है
वो नए एंड पुराने का एक मिक्सचर बन जाएगा, मतलब एक नए तरह की ये सारी चीजें उभर कर आएंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि राजस्थान में कोई ड्राउट वगैरह आ गया एंड उसकी वजह से लोगों ने जो है पंजाब में माइग्रेट कर दिया, राइट, वो पंजाब में आके रहने लग गए। तो अब जब वो पंजाब में आके रहेंगे तो वहाँ के कल्चर से, वहाँ की भाषा से वो इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि पहले वो राजस्थानी बोलते हैं। बट जब वो नई जगह पे आके रहेंगे तो नए लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए वो लोग उनकी भाषा को अडेप्ट करेंगे, राइट। तो उनकी जो भाषा बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी, वो एक मिक्सचर बन जाएगी राजस्थानी एंड पंजाबी का, तो एक नई तरह की भाषा निकल कर आएगी, राइट। तो इसी तरह जितने भी कल्चर होते हैं, म्यूजिक हो गया, रिलीजन हो गया, तो इसी तरह एक नया जो चीज़ है वो निकल के आता है, जो कि ओल्ड एंड न्यू का मिक्सचर होता है। इसीलिए काफ़ी सारे प्लेसेस की जो हिस्ट्री है उससे पता चलता है कि वहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से वैसा बना है। एंड जितने भी रीजंस की जो डाइवर्सिटी होती है ना, ये उनके यूनिक हिस्ट्री की वजह से होती है, ठीक है। सो सभी प्लेसेस की अपनी अपनी एक यूनिक हिस्ट्री होती है, जिस वजह से वहाँ पे की जो चीज़ें हैं वो यूनिक निकल के आती हैं, डाइवर्स होती हैं दूसरे प्लेसेस से। एंड डाइवर्सिटी का एक और कारण है कि अब देखो, जब लोगों ने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रहना स्टार्ट किया तो वहाँ का जो जियोग्राफिकल एरिया है, जब वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे तो उससे भी उनके जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, उनके कल्चरल प्रैक्टिस में, उनके रहन सहन में चेंजेस आने लगेंगे। मान लो कोई पहले बहुत गर्मी वाले इलाके में रहता था एंड अब वो सर्दी वाले इलाके में रहने लग गया है, तो अब पहले वो जो जिस तरह के जानवर पालते थे तो अब वो नहीं पालेंगे, अब वो उस तरह के जानवर पालेंगे जो यहाँ पे पाले जाते हैं, सर्दियों वाली जगह पे पाले जाते हैं। एंड पहले वो अलग तरह की ड्रेसेस पहनते थे, अब सर्दी की ड्रेसेस पहनेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है जियोग्राफिकल एरिया भी डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो लोग सी के पास रह रहे हैं, उन लोग का जो रहन सहन है वो बहुत अलग होगा उन लोगों से जो कि माउंटेनियस एरिया में रह रहे हैं। एंड ऐसा नहीं होगा कि उनका रहन सहन में ही डिफरेंस होगा, कि वो लोग जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस तरह रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं में डिफरेंस नहीं होगा, बट कि उन चीज़ों में भी डिफरेंस होगा जिस तरह के वो काम कर रहे हैं। अब जो लोग सी के पास रहते हैं, मान लो वो मछली वगैरह पकड़ते हैं, राइट, बट जो माउंटेन में रहते हैं वो मछली कहाँ से पकड़ेंगे, वो मान लो टेरेस फार्मिंग करते हैं। तो दोनों के जो काम कर रहे हैं उनमें कितना डिफरेंस आ गया। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम केरला एंड लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह ये जो हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो एक रीजन की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक रीजन की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट इस सेक्शन में अब हम देखेंगे कि किस तरह वो हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो उस रीजन की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग दो प्लेसेस के एग्जाम्पल लेंगे, लद्दाख एंड केरला। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट लद्दाख एंड देन वी विल रीड अबाउट केरला एंड देन वी विल डू अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ बोथ दीज प्लेसेस। तो लद्दाख जो है वो एक डेजर्ट वाला इलाका है एंड ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट तरफ है, एंड ये माउंटेन वाला इलाका है, राइट। अब यहाँ पे ज़्यादा जो खेती बाड़ी है वो इतनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रेन होती है एंड साल के ज़्यादातर महीने क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही होती है, राइट। तो इस वजह से यहाँ खेती बाड़ी इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती एंड बहुत कम ही ऐसे ट्रीज हैं जो यहाँ पे उग सकते हैं। एंड गर्मी के टाइम में क्या होता है, लोग जो है जो बर्फ जब पिघलती है तो उसी पर डिपेंड होते हैं पानी के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। अब यहाँ के लोग जो हैं वो शिप एंड गोट्स को रखते हैं एंड यहाँ के जो गोट्स हैं वो एकदम स्पेशल हैं, वो नॉर्मल गोट्स की तरह नहीं है जो आपको प्लेन एरियाज में मिलेंगी या दूसरे इलाकों में मिलेंगी। दीज आर स्पेशल क्योंकि ये वाली जो गोट्स हैं ये पश्मीना वुल प्रोड्यूस करती हैं एंड पश्मीना वुल जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है एंड इसी से पश्मीना शॉल्स भी बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, राइट। तो यहाँ के जो लोग हैं, लद्दाख के लोग, वो लोग केयरफुली वुल कलेक्ट कर लेते हैं गोट्स से एंड उसके बाद इस वुल को कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं एंड बाद में जो पश्मीना शॉल्स हैं वो कश्मीर में बनाए जाते हैं, राइट। एंड यहाँ के लोगों की डाइट के बारे में अगर बात करें तो इन लोग जो मेन खाना है वो मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि चीज़ एंड बटर हो गए। एंड ज़्यादातर फैमिलीज के पास कुछ ना कुछ गोट्स तो होंगी होंगी, जैसे गोट्स हो गया, काउज एंड जॉस ये होती हैं, या काउस, तो इस तरह के कुछ कॉमन एनिमल्स हर एक फैमिली के पास होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये जो डेजर्ट इलाका है यहाँ पे कोई ट्रेडर्स आते ही नहीं है, यहाँ पे भी ट्रेडर्स आते हैं क्योंकि क्या होता है कि ये वाला जो इलाका है ये काफ़ी अच्छा एक ट्रेड रूट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पासेज हैं। पासेज क्या होते हैं, जैसे मान लो दो माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये दो माउंटेन्स हैं तो इनके बीच का ये वाला जो इलाका है ना, अब यहाँ से आपको दूसरे पास जाना है तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि आपके पास दो रास्ते हैं, राइट, कि आप या तो पूरा पहाड़ चढ़ो फिर उतरो या फिर ये जो बीच का इलाका है यहाँ से चले जाओ,
ठीक है, तो आप ये तो करोगे नहीं, ये तो बड़ी मेहनत का काम है। तो ये हो गए, ये वाला हो गया पासेस, जो दो पहाड़ के बीच में से आपको नीचे का एरिया मिलता है जाने के लिए, राइट, दीज आर पासेस। तो लद्दाख में इस तरह के काफी सारे पासेस हैं जिसके थ्रू ट्रेड जो है वो काफी आसानी से हो पाती है। एंड लोग जो हैं, जो कारवंस होते हैं, जो जत्थे होते हैं ट्रेडर्स के, वो यहाँ से जाते हैं तिब्बत वाले इलाके में, ठीक है। एंड वो लोग क्या क्या चीज़ कैरी करते हैं अपने साथ, टेक्सटाइल, जो कपड़े वगैरह होते हैं, स्पाइसेस, मसाले एंड रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रैवलर्स हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं। तो ये लद्दाख की एक पिक, आप देख सकते हो यहाँ कितना बंजर बंजर सा, यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ी सी श्रब्स वगैरह ही हैं एंड कोई पेड़ पौधा आपको दूर दूर तक देखने नहीं मिलेगा, बस ये रेत रेत है, राइट। एंड लद्दाख के बारे में और बात करें तो जो बुद्धिज्म है वो लद्दाख के थ्रू ही तिब्बत पहुंचा है, ठीक है, क्योंकि लद्दाख के थ्रू होते हुए लोग जाते थे तिब्बत, ठीक है। तो यहाँ से ही बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत में पहुंचा है, और लद्दाख को इसीलिए छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, लिटिल तिब्बत, राइट। सो आज से लगभग 400 ईयर्स पहले यहाँ पे इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ एंड काफी सारे लोग जो है यहाँ पे वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो लद्दाख में जो है वो काफ़ी रिच ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन मतलब है जहाँ पे जो चीज़ें हैं एक जनरेशन दूसरे से दूसरी जनरेशन में ओरली ट्रांसफ़र की जाती हैं, ठीक है। तो सॉन्ग्स एंड पोएम्स जो हैं वो गाए जाते हैं, फिर अगली जनरेशन को सुनाए जाते हैं एंड इसी तरह वो भी पास ऑन करते रहते हैं, ठीक है। तो तिब्बतन नेशनल एपिक जो है केसर सागा, उसका लोकल वर्जन जो है वो यहाँ के बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट लोग गाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केरला। तो अगर आप मैप की बात करोगे तो जो लद्दाख है वो एकदम टॉप वाले एरिया में, वो एकदम नॉर्थ में है एंड केरला जो है वो एकदम साउथ में है। तो हम दो एकदम अपोजिट डायरेक्शन वाले प्लेसेस को पढ़ रहे हैं। सो केरला जो है वो हमारी कंट्री के साउथ वेस्ट वाले कॉर्नर पे है, ठीक है। एंड इसके एक तरफ तो है सी एंड दूसरी तरफ ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, राइट। सो जैसे कि ये मैप हो गया, राइट, प्लीज इग्नोर माई ड्रॉइंग, हाँ बस समझ लो। तो जैसे यहाँ पे केरला है, राइट, तो इसके एक तरफ जो है वो पूरा समुद्र है एंड दूसरी तरफ जो है वो वेस्टर्न घाट्स वाले पहाड़ हैं, राइट, हिल्स हैं पूरे। यहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइसेस जैसे कि पेपर हो गया, काली मिर्च, क्लोव्स, कार्डमम्स, तो ये सारे जो स्पाइसेस हैं वो हिल्स में उगाए जाते हैं। तो यहाँ के जो स्पाइसेस हैं उन्होंने काफ़ी सारे ट्रेडर्स को केरला की तरफ अट्रैक्ट किया। एंड जो सबसे पहले जो ट्रेडर्स थे जो केरला में आए थे वो थे ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स, राइट। तो ये माना जाता है कि जो सेंट थॉमस थे जो कि क्राइस्ट के फॉलोअर थे, तो वो इंडिया में केरला में आज से लगभग 2000 ईयर्स पहले आए थे एंड उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो काफ़ी सारे अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पर आए और वो यहाँ पे ही रहने लग गए, बस गए यहाँ पे। एंड इब्न बतूता जो कि एक ट्रैवलर थे जो कि आज से लगभग 700 ईयर्स एगो यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने अपना एक ट्रेवलॉग दिया था जिसमें उन्होंने यहाँ पे मुस्लिमों की जो लाइफ थी उसको डिस्क्राइब किया था। एंड उसमें वो बताते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी हैं जिनकी काफ़ी इज्जत की जाती है। एंड जो पोर्तुगीज थे उन्होंने जो सी रूट था यूरोप से इंडिया तक का वो कब डिस्कवर किया, जब जो वास्को डिगामा की जो शिप थी, सो इंडिया एंड यूरोप के बीच का जो सी रूट है वो पोर्तुगीज ने तब डिस्कवर किया था जब वास्को डिगामा जो है वो अपनी शिप के साथ यहाँ पर आए थे, राइट। अब इन्हीं सब हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी अलग अलग रिलीजन्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, जैसे कि जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। तो इस तरह के रिलीजन्स जो हैं यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स यूज़ किए जाते हैं मछली पकड़ने के लिए वो एकदम चाइनीज नेट्स की तरह ही लगते हैं, ठीक है, उन्हीं से मिलते हैं। एंड यहाँ पे इनको बोला भी क्या जाता है, छीना वाला। एंड जो यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं, बर्तन यूज़ किए जाते हैं फ्राई करने के लिए, उन्हें भी चीना चाटी कहा जाता है। एंड ये माना जाता है कि ये जो छीना वाला एंड चीना चाटी में जो वर्ड है चीन, ये हो सकता है कि ये चाइना से ही आया हो, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है वो चाइनीज़ चीज़ों से मिलती हैं। अब क्योंकि केरला में जो है वो बारिश होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, राइट, एंड यहाँ का जो क्लाइमेट है वो राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। सो मेजॉरिटी जो लोग हैं यहाँ पे उनकी स्टेपल डाइट क्या है, वो लोग राइस लेते हैं, फिश खाते हैं एंड वेजिटेबल्स, तो ये सभी उनकी डाइट है। सो ये आप पिक्चर देख रहे हो बोट रेस की, तो बोट रेस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ओनम फेस्टिवल का जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। अब हमने देखा कि केरला एंड लद्दाख जो है वो ज्योग्राफिकली काफ़ी डिफरेंट है, बट दोनों ही रीजन्स की जो हिस्ट्री है उसमें सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं। दोनों ही रीजन्स में चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स जो हैं वो आए थे, उनकी वजह से ये रीजन्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुए। अब केरला में जो जियोग्राफी ऐसी थी जिसकी वजह से यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह उगाए गए,
एंड लद्दाख में जो ज्योग्राफी थी वो ऐसी थी कि वहाँ पे जो वुल वगैरह है वो बनाई जा सके, ठीक है, शिप रेयर करी जा सके एंड वुल बनाई जा सके उनमें से। इसका मतलब दोनों ही जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो हैं, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं, वो एक प्लेस के कल्चरल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्ट में होता था, ये आज भी होता है, राइट। आज भी हम काम के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, एंड जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं तो अपने साथ अपने कल्चरल ट्रेडिशन, अपनी भाषा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं। एंड जब नए प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ के लोगों से कुछ सीखते हैं और वो लोग हमसे कुछ सीखते हैं, तो इस तरह फिर से एक नया मिला जुला सा कल्चर उभर कर आता है, राइट। हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, रहते हैं, उनके कम्युनिटी को समझते हैं, उनके डेली लाइफ्स को समझते हैं, कुछ उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनके ट्रेडिशंस को समझते हैं, एंड वो लोग हमें हमारी चीज़ों को समझते हैं। तो इस तरह ये जो डाइवर्स कल्चर है वो निकल कर आता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आई फील दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ अलग अलग तरह की रिलीजन्स फॉलो होते हैं, या 1,000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है। बट इंडिया की जो डाइवर्सिटी है इसे हमेशा ही एक ताकत की तरह देखा गया है। इट हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इसे कभी भी एक कमजोरी की तरह नहीं लिया गया। जब ब्रिटिश इंडिया में रूल करने आए थे तो हजारों लाख लोग जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए, अलग अलग जो थे बैकग्राउंड से मैन एंड वेमेन थे, उनके वो अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, बट स्टिल दे केम टुगेदर टू अपोज द ब्रिटिश, राइट। तो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड वो सभी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। वो सभी लोग साथ में डिसाइड करते थे कि भाई क्या अगला एक्शन होने वाला है। वो सभी लोग जेल साथ में गए, वो लोग नए नए तरीके ढूंढते थे साथ में कि किस तरह ब्रिटिश को अपोज कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि वो लोग इंडियंस को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया में इतने सारे डिफरेंसेस हैं लोगों में, और वो लोग ये सोचते थे कि इन लोगों को डिवाइड करके हम अपना रूल करते रहेंगे इन लोगों पर। बट इंडियंस ने ये दिखा दिया कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वो किस तरह यूनाइट हो सकते हैं, एक हो सकते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, अपनी फ्रीडम वापस पाने के लिए। तो यहाँ पे एक सॉन्ग दिया हुआ है, तो पहले मैं इसे पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ ये किससे रिलेटेड है। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। जिसमें कहा गया है कि उन खूनी दिनों को भूलना मत, और अपने खुशी के दिन में, अपने खुशी के टाइम में हमारे लिए आंसू बहाना मत भूलना। द हंटर हैज़ टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर। जो शिकारी हैं उन्होंने हर एक फूल को तोड़ चुका है, बिखेर चुका है। डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। तो इस बंजर धरती पर एक प्लांट, एक फ्लावर जरूर लगाना। हैविंग फॉलन अ बुलेट वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग। तो बुलेट वगैरह लगने से अब हम लोग यहाँ पे पड़े हैं जलियांवाला बाग में, सो चुके हैं। डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लवली ग्रेव ओ फ्रेंड। और इस ग्रेव पर एक दिया जरूर जलाना। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोज टुगेदर टुडे। आज हिंदू एंड मुस्लिम का जो खून है वो साथ में बहा है। तो जब खून बहता है तो किसी का डिफरेंस नहीं था, किसका खून जो है वो हिंदू का है, कौन सा खून जो है वो मुस्लिम का, ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं था, सबका खून साथ में बह रहा था। डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड। तो अपने कपड़े जो हैं वो इसमें, इस खून के रिवर में ज़रूर बहाना। सम रॉट इन जेल्स वाइल अदर लाई इन देयर ग्रेव्स। कुछ लोग जो है वो जेल में सड़े, कुछ लोग जो है वो ग्रेव्स में लेट गए, ठीक है। डू शेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम ओ फ्रेंड। और इन सभी लोगों के लिए कुछ आंसू ज़रूर बहाना। तो आपको ये सभी लाइनें पढ़ के, सुन के ज़रूर समझ आ गया होगा कि ये किस बारे में है। ये जलियांवाला बाग जो मैस्कर हुआ था उससे रिलेटेड है। तो दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैस्कर इन अमृतसर, ठीक है। तो ये जो सॉन्ग है ये जलियांवाला बाग जो मैस्कर हुआ था उसके बाद गाया गया था। एंड जलियांवाला बाग कहाँ पे है, अमृतसर में। उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो हैं बैशाखी के दिन इकट्ठा हुए थे, एंड कुछ ब्रिटिशर्स को अपोज वगैरह करने के लिए, कुछ रणनीतियाँ बनाने के लिए, वो बहुत सारे लोग, सभी लोग जो भी नेशनलिस्ट थे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख मैन वेमेन बच्चे, सभी लोग इकट्ठा हुए थे। बट एक ब्रिटिशर जनरल था, जनरल डायर, उसने उन सभी लोगों पर, अनआर्म लोगों पर क्या किया, गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। एंड वो भी जो एक अकेला जो
रास्ता था निकलने का, बाहर निकलने का जो एक अकेला गेट था वो भी बंद कर दिया, एंड अपने सोल्जर्स को बोला कि उनको बस गोली दाग दो सब पे। तो बस अंधाधुंध सभी लोगों पर गोली चला दी गई, लाखों लोग मरे, बहुत सारे लोग घायल हुए। तो ये जो सॉन्ग है ये उन्हीं लोगों के ब्रेवरी को अप्रिशिएट करने के लिए, उन्हीं लोगों के ऑनर में ये सॉन्ग जो है वो गाया जाता है। तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर जितने भी सॉन्ग्स एंड सिंबल्स इमर्ज हुए थे वो काफ़ी अच्छे से ये दिखाते हैं कि हमारी कंट्री का जो ट्रेडिशन है वो इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने का है। वी रिस्पेक्ट दिस डाइवर्सिटी, वी डोंट सी दिस डाइवर्सिटी एज अ वीकनेस, रादर वी सी इट एज अ स्ट्रेंथ। अच्छा, तो क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो फिर आपका होमवर्क है आज इसके बारे में ज़रूर जानना, ठीक है? और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या क्या चीज़ें पता चली। तो हमारे इस इंडियन फ्लैग को एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट यूज़ किया गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, राइट? तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो इंडियन यूनिटी है ये किसी ने हम पे बाहर से थोपी नहीं है, ठीक है? ये किसी ने हम पे इम्पोज नहीं किया है, बल्कि ये हमारे अंदर है, ठीक है? ये हमारे सभी के नैतिक मूल्यों में है कि हम लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, डाइवर्सिटी को। यहाँ पे अलग अलग तरह के बिलीव्स, कस्टम्स, इन सभी को एक्नॉलेज किया जाता है एंड इनकरेज किया जाता है, राइट? एंड ये जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये नेहरू जी ने ही कॉइन किया था, ठीक है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु कॉइन द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो जवाहरलाल नेहरू कॉइन दिस फ्रेज। एंड हमारा जो नेशनल एंथम है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, अच्छा किस किस को नहीं पता था कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है? अब पता चल गया। हाँ, तो उसमें भी ये जो यूनिटी है वो काफ़ी अच्छे से दर्शाई गई है कि इंडियन यूनिटी है जो है वो हमारा काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है, तो वो हमारे इंडियन नेशनल एंथम में काफ़ी अच्छे से झलकता है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6 सिविक्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस चैप्टर। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप जो हमारी डाइवर्सिटी है, इंडियन डाइवर्सिटी, उसको और ज़्यादा अब आप रिस्पेक्ट करोगे, उसको और ज़्यादा सराहोगे, एंड एक्सेप्ट करना है सभी डाइवर्सिटी को, सभी की रिस्पेक्ट करना है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।